हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक रेसिपी लेके आए हैं, ड्रैगन पनीर। आप इसको एज ए स्टार्टर भी यूज़ में ले सकते हैं या सब्जी के यूज़ में भी ले सकते हैं। इसको स्पाइसी चिली पनीर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पनीर ड्रैगन बनाने के लिए या चिली पनीर रेसिपी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर। सबसे पहले हम इसको लंबा लंबा काट लेंगे। इसके मैं लंबे लंबे स्लाइस काट लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पीस लंबे साइज में कट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा। इसको हम थिक घोल बना लेंगे। इसका बाउल में डाल लूंगी और हमें इसका एकदम थिक बैटर तैयार करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एकदम रेडी है बैटर। अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नमक भी एकदम अच्छे से मिल गया है। अब हम कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे और सभी पीसेस को इसमें डिप कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है। हम पनीर के पीसेस को, हमने जो घोल तैयार किया है, इसमें डिप कर लेंगे। आइए इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को हमें हाई रखना है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर पनीर के पीसेस कढ़ाई में चिपक जाते हैं तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसको धीरे धीरे इस तरह के चम्मच से आप उसको हटा लेंगे तो वो हट जाएगा। देखिए फ्राई हो गए हैं, इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और बाकी के सभी पीसेस को फ्राई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी पनीर के पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं और लुकिंग में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं। आइए अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, ड्रैगन पनीर या चिली पनीर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 3 कलर्स कैप्सिकम। मैंने लंबे लंबे पीसेस काट लिए हैं। देखिए, रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च लंबी लंबी काट ली हैं। ताज़ा हरा धनिया मैंने धो के बारीक काट लिया है। 1 प्याज बड़े साइज़ का लेके मैंने लंबा काट लिया है। इसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे लहसुन एकदम बारीक कट कर लिया है। 2 कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे कट करके रखी हुई हैं। 8-10 काजू के पीसेस मैंने कर लिए हैं। आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसी कढ़ाई में पनीर के पीसेस फ्राई किए थे, बाकी का तेल निकाल दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल रहने दिया है। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, गरम तो ऑलरेडी है ही। सबसे पहले हम इसमें काजू डाल देंगे। लाल मिर्ची भी डाल दी है, लहसुन भी डाल दिया है। बहुत अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए, काजू ने तो कलर भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। प्याज डाल देंगे। दो से तीन सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। हरी मिर्च, थ्री कलर्स कैप्सिकम भी हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से 10 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे।
फ्रेंड्स, एक चम्मच मैं इसमें सेजवान सॉस डाल दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। एक चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। बहुत अच्छे से अब इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें 2-3 ड्रॉप रेड कलर की भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है रेड कलर भी। देखिए लुकिंग में ही कितना बढ़िया लग रहा है। मैं यहाँ पे 2-3 ड्रॉप रेड कलर की भी यूज में ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी वेजिटेबल्स, सभी मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको बहुत ही सॉसी बनाने के लिए, बहुत ही मखमली बनाने के लिए एक चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। मैंने इसको कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लिया है और अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, अभी हमने एक ही चम्मच डाला है। आप चाहें तो एक चम्मच और भी डाल सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और 10 सेकंड के लिए पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से कॉर्नफ्लोर भी तैयार हो चुका है, रेडी हो गया है बिल्कुल। इसमें अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इसको एज ए स्टार्टर भी यूज़ में ले सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सॉसी लग रहा है देखने में, बहुत ही मखमली इसका स्टफ मुझे लग रहा है। एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दी है मैंने इसमें, स्पाइसी बनाना है इसलिए चिली फ्लेक्स डाली है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो रहने दें। पनीर के पीसेस डाल देंगे। और बहुत अच्छे से इनको अब मिक्स कर लेंगे। देखिए लुकिंग में ही कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ड्रैगन पनीर, स्पाइसी पनीर स्टार्टर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ड्रैगन पनीर रेसिपी तैयार कर दी है, सर्व भी कर दिया है। अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।